तो हमारे बैलों को भी जैसे यहाँ पे सब रुक चुके हैं, इधर के साइड भी और ऊपर के साइड भी, सब यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलने लगे हमें। हम सब उखाड़े मुंडुए के पौध को और उनको खाने मिल गया, और लड़ाई भी हो चुकी है यहाँ मुंड बंदरों को, और भैंस घूर घूर के भी देख रहा है, तो साइड लगना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुशाई ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा गांव का नाम है भरनो, जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के थलसा ब्लॉग में, और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आज जा रहा हूँ मैं अपने खेत में धनिया लगाने के लिए फिर से, क्योंकि मंडुए में एक बार पहले भी लगा रखा है धनिया, पर मंडुए में 2 बार लगाना पड़ता है धनिया, और पहले तो छोटा सा बड़ा सा हो गया, और बारिश कंटिन्यू आने के कारण मंडुए में बहुत ज़्यादा घर पतवार भी हो चुका है, तो इसको भी निकालना है आज। सुबह तक तो बारिश वाला मौसम हो रखा था और काले बादल लगे हुए थे पूरे आसमान में, पर अब बादल इधर उधर छट चुके हैं और अच्छी खासी धूप लग रही है। बारिश के बाद तो पहाड़ों का मौसम ही कुछ अलग हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है, और पहाड़ बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं। आप देख सकते नीचे घाटियाँ कितनी सुंदर लग रहे हैं और बादल भी साथ में। तो जो आपके खेती है इसमें धान लगा रखे, और हमारे गांव में आप बहुत ही कम धान लगाते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर कुछ होने नहीं देते आप। और ये दीवार बंदी करके रास्ते के नीचे के साइड से, ताकि गाय बैल किसी के खेतों में न जाए। पहाड़ों में इस तरह के रास्ते होते हैं, बिल्कुल अच्छे रास्ते नहीं होते हैं, मतलब जो गाँव के रास्ते होंगे वो अच्छे बने रहते हैं, बाकी इधर उधर के रास्ते ऐसे ही बने रहते हैं, और हमें तो आदत पड़ चुकी है इन रास्तों में चलने की। यहाँ पे अभी हमारे बैल पानी पी रहा है, और यहाँ पे शुद्ध प्राकृतिक पानी आता है। तो दोस्तों अभी इस साइड के लिए जाने हमें खेत में, जहाँ पे आपको बिजली पोल सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना इनको लेकर। और अभी तो मैं यहाँ पर हूँ और बहुत दूर है अभी। चला। और यहाँ से दूसरे के बैल भी आ चुके हमारे गाँव वाले के, तो यहाँ पे ये लड़ाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें सावधानी से लेके जाना पड़ेगा। चला 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 चल चल। हाँ उड़ा भी तू बाण चला। चला। और यहाँ पे भाई जी भी जा रहे धनिया लगाने के लिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारे गांव वाले भैंसों को पानी पिलाने के लिए लेके आते हैं, क्योंकि हमारे गांव के भैंस ग्वाले नहीं जाते हैं, तो उनको पानी पिलाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। और यहाँ पे तो चर्री बना रखी है, एक चर्री है और एक है जिसमें पानी भरा रहता है हमेशा, और ये बीच में ये बंदेरा। तो हमारे बैल तो काफ़ी आराम आराम से जा रहे हैं, और पापा को कॉल आ रहा है कि फटाफट लेके आ उनको, मैं कब से रुका हूँ तुझे नीचे गौशाले में, तो उनको फटाफट अटका के लेके चलते हैं। और दोस्तों आगे से भैंस भी आ रहा है, और इस सुबह के टाइम हमारे गांव वाले सब भैंस को पानी पिलाने के लिए लेके चलते हैं इधर। चल चल चला चला चल। और भैंस घूर घूर के भी देख रहे हैं, तो साइड लगना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुंच चुका अपने गौशाला में, और यहाँ पे पापा इंतजार कर रहे थे, अभी बैलों को यहाँ पे दी गई पिंडा, और पीछे से किसी और के बैल भी आ चुके हैं, और सब लोग यहाँ पे रुक चुके हैं, और हमारे बैलों ने यहाँ पे ट्रैफिक लगा दिया है, तो हमारे बैलों की वजह से यहाँ पे सब रुक चुके हैं, इधर के साइड भी और ऊपर के साइड भी, और सब यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलने लगे हमें। तो दोस्तों मैंने धनियाल पकड़ दिया, तो मैं धनियाल लेके आगे से जा रहा हूँ, और बैल हमारे पीछे से आ रहे हैं पापा लेके। और खेतों का खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं खेत। मैं खेत में पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते कितना सारा मंडुआ हो रखा है, तो इसी में लगाने भी धनियाल, और यहाँ पे हमारे बैल भी ऊपर से आ रहे हैं।
दोस्तों अभी मैं खेत में गुड़ाई कर रहा था और पहाड़ों में इस टाइप के मच्छर होते हैं, मक्की टाइप के, और खतरनाक ही काटते हैं और बहुत सारे हो रखे हैं। और भी मारते तो उसको, एक और बैठ गए, मर गया। दो मार दिया मैंने यहाँ पे, एक यहाँ पर मरा हुआ है और खतरनाक काटते हैं, और एक यहाँ पर। तो अभी मैं इस खेत में जितने भी एक्स्ट्रा घास घूस है ये सब को निकाल देता हूँ, वरना इसको निकालेंगे नहीं तो बारिश आएगी ये फिर से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मौसम भी खराब हो चुका है और बंदर भी आ चुके हैं खेतों में मंडुआ खाने के लिए, और ये मंडुए के पौध को उखाड़ता है फिर उसको खाते हैं, क्योंकि ये खाने में मीठा होता है। और नीचे देखिए खेतों में कितने सारे बंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खा रहा है मंडुआ, आराम से उखाड़े मंडुए के पौध को और उनको खाने में लगा, और लड़ाई भी हो चुकी है यहाँ बंदरों को। और कैसे जा रहे यो। तो दोस्तों अभी हमने इस खेत में लगा रखा है सिर्फ धनियाल, और यहाँ पे बारिश भी आने लगे, थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगर बारिश बंद हो जाएगी तो इसके बाद और धनियाल लगाएंगे, अगर कंटिन्यू रहेगी तो हम बैलों को लेके घर चले जाएंगे। तो दोस्तों आधे घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे बारिश रुक चुकी है, तो हम फिर से धनियाल लगाते आ रखे आज खेत में, तो धनियाल लगा के जाएंगे। ला ला लगा था, दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं और हमने इन खेतों में धनियाल भी लगा दिया है, तो फिर से धूप लग चुकी है। पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश आ रही है तो कभी धूप लग जा रही है। तो अब मैं इन बैलों के लेकर पहुंचाऊंगा अपने गौशाले में, तो अभी मुझे अपने बैलों के लेकर पर जाना है जहाँ आपको ये दिखाई देगा, ये रहा हमारा मुर्गे फार्म का पॉली हाउस, तो वहीं जाना है भी। तो जाने का मन तो नहीं करता इतनी धूप में, पर क्या करें, बैल यहाँ खेतों में भी नहीं रह सकते हैं तो उनको अंदर बांधना भी जरूरी है। और यहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं अभी गुड़ाई करने पे लगी खेतों में इतनी तेज धूप में। तो इस वाले खेत में देखिए कि चौलाई के कितने बड़े पौधे हो चुके हैं, और चौलाई ये रहा। तो जो आपको खेत में दिखाई दे रहे हैं ये है भांग की फसल, और आगे है हमारे गांव का भगवती माता का मंदिर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका अपने गौशाल में, और पूरा एक घंटे का रास्ता था, तो सबसे पहले तो मैं इनका मुंह में जो ये लगा रखा है इसको खोलता हूँ यार, लगा के तो आप अपने बैलों को इसको देता हूँ जो झुंझुरे के आटे का बना होता है, क्योंकि इनका फेवरेट खाना होता है। गिर भी गया, अरे गिर भी गया, लाल वाला। तो ये लाल वाला बैल इसकी डर से नहीं आ रहा है लाल वाले के, तो लाल वाले। अरे दे। तो अब मैं घर जा रहा हूँ खाने खाने के लिए, और आप देख सकते हैं पहाड़ों का मौसम फिर से बदल चुका है, कुछ देर पहले धूप लग चुकी थी और फिर से यहाँ पे बारिश आने लगी, और नीचे पहाड़ों में देखिए घाटियों में यहाँ बारिश आ रही है बड़ी जोरदार, और यहाँ भी बारिश की छींटे आने लगी। तो मैं भी फटाफट चलता हूँ अब घर। तो दोस्तों मैं घर में पहुँच चुका हूँ, और बीच रास्ते में मुझे बारिश लगी थी तो मैं भागते हुए आया, और यहाँ भी देखिए यहाँ पर अभी भी बारिश कंटिन्यू ही लगी हुई है। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुका है टाइम, तो मेरी तैयारी हो चुकी है मुर्गे फार्म में जाने की, और यहाँ बारिश अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।